Okay. Shh. Now, anyone who wants to talk amongst themselves are free to go outside or wherever you all want to. अभी तो आपको पुणे की हवा लगी गई है तो I rather not comment on that. But अगर आप क्लास में बैठे हो, शिद्दत से मैं आपको बोल रही हूँ, it's genuinely a very personal request. Please आप time pass मत करो. मेरे पास, मेरे से ज़्यादा आपके पास समय का बहुत ज़्यादा problem है और shortage है. So let's utilize it to the best. Okay. So very good afternoon to every one of you all. Good afternoon, all my virtual kids also. How are you all? I hope you all are good. Revision ke pehle, jo pending sections hai, unko main padha leti hu. And then towards the end, we will do the revisions along with the questions. Okay. So I would request every one of you all to please come down to page number 24 of Other Lost ki book. Hamara last section jo hua tha, that was section number 36. Which was relating to inspection of documents kept by the registrar. जहाँ पे हमने यही देखा था, हमारा जो statement of accounts and solvency, annual return जो भी हम file करते हैं, all these documents are public documents. और अगर ये public documents है, कुछ nominal fees देके कोई भी LLP के आप annual returns as well as statement of accounts and solvency जो है, वो inspect कर सकते हो. So that was the last section that was done. Now we are going on to section number 37. Penalty for false statement. अरे बहुत easy section है. 2 मिनट में ये section हो जाएगा. सुनो मेरी बात. कोई भी return या statement जो act के अंदर required है to be furnished with the registrar. अगर इन documents में आपने जानबूझ के झूठी बातें लिखी है. So basically there was a false statement in some material particulars, knowing it to be false. So basically the intention is to deceive. आपको पता है कि जो भी आपने ये statements में लिखा है या return में लिखा है वो झूठ है, but फिर भी आप झूठी बातें लिखकर ये documents register को submit करते हो. झूठ बोलना तो पाप है, उसके साथ साथ सच छुपाना भी पाप के बराबर ही है. मतलब वो धोखे का इंटेंशन ही होता है. या तो आप झूठ बोलो या तो आप सच को छुपाओ, दोनों भी केस में द इंटेंशन इज टू डिसीव द अदर पार्टी, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. और इसीलिए लॉ मेकर ने इसका एक स्पेसिफिक सेक्शन बनाया है और कहा है एलएलपी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स या एलएलपी के कोई भी रिटर्न्स जब आप रजिस्ट्रार के पास सबमिट करते हो, बाद में अगर ये प्रूव होता है कि ये बातें झूठी है, या तो आपने जो बातें बोलनी थी वो सच को छुपाया है, इन शॉर्ट साइलेंस इज अमाउंटिंग टू फ्रॉड, देन इट विल बी कंसिडर्ड कि आपके इरादे इंटेंशनल डिसीट के थे. इंटेंशनल डिसीट मतलब जानबूझ के आपने झूठ बोला है या सच को छुपाया है. और अगर इंटेंशन ही धोखा देने के है तो ऑब्वियसली बात है आपको इसकी सजा होगी. और जो सजा है दैट इज दैट यू विल बी सेंट टू जेल for up to a period of 2 years and you are also liable for a fine which may extend to 5 lakhs but which is not less than 1 lakh. इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं. वैसे तो एक टर्म है जो आप जानते होंगे, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. कुछ पता है आप लोगों को? ओके, ठीक है, मैं आपको बता देती हूं आगे का. वैसे भी सेक्शन जो है इसके बाद के 2 सेक्शंस इज रिलेटिंग टू कंपाउंडिंग ओली. कभी कभार क्या होता है, आप पैसे देकर जेल से छूट सकते हो. ओके, तो जब पनिशमेंट वाले प्रोविजन में लिखा होता है आपको या तो जेल होगी या तो फाइन होगा. ओके, तब ऐसे केस में या तो मतलब और, या तो फाइन या तो जेल, तब ऐसे केस में आप फाइन देकर ना जेल से छुटकारा पा सकते हो. बट ये वाले सेक्शन में और नहीं है. अगर आप देखोगे, यस, इस वाले सेक्शन में लिखा है जेल एंड देयर इज अ फाइन. सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ऑफेंस है ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है. नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब फाइन देख के आपको जेल से छुटकारा नहीं मिलने वाला है. फाइन तो लगेगा ही बेटा आपको, बट फाइन के साथ साथ यू आर ऑल्सो बी गोइंग टू बी सेंड टू द जेल. सो बेसिकली देखो, आप रजिस्ट्रार को धोखा दे रहे हो. मतलब आम जनता, क्रेडिटर्स,
जो आपके बाकी के स्टेक होल्डर्स है उनको तो भूल जाओ, सरकार के लोगों को अगर आप धोखा दे रहे हो, इन लोगों को तो आप गिनने भी नहीं वाले हो। तो ये थॉट प्रोसेस जो है ऑब्वियसली एनकरेज नहीं की जा सकती है, एंड बिकॉज इट कैन नॉट बी एनकरेज, दिस पनिशमेंट इज अ नॉन कंपाउंडेबल पनिशमेंट। और लॉ मेकर कहते हैं इसमें पैसा देके हम आपको जेल से छुटकारा नहीं होने देंगे, आपको फाइन भी होगा और फाइन के साथ साथ हम आपको जेल भी भेजेंगे। एक काम करो, आपने आपकी नोटबुक्स लाई है क्या? ओके, दोज हु हैव नॉट गॉट द नोटबुक्स, यू ऑल हैव स्टिक नोट्स। हम क्या करेंगे, जो भी 10-12 सेक्शंस हमारे अभी पेंडिंग है ना, छोटी छोटी समरी नोट्स बना देंगे, ओनली रिफर टू दी समरी नोट्स, आपको पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और आज के मेजॉरिटी सेक्शंस आल्सो, लेट मी टेल यू गाइस, आर गोइंग टू बी न्यू सेक्शंस विच वर नॉट कवर्ड अंडर फाउंडेशन। जल्दी जल्दी छिट्टी लो, समय की बहुत कमी है हमारे पास। टेक द बिगेस्ट स्टिक नोट्स दैट यू ऑल हैव सभी सेक्शन के लिए, वेरी गुड, लिखना चालू करो। तो आपको जेल जाके चक्की पीसनी पड़ेगी, पैसा का वर्ड दिखा के आपको जेल नहीं होगा ऐसा आप सोचना नहीं। जेल जाके चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, लिखो, किसिंग नहीं बोला, पीसिंग बोला, किसिंग एंड किसिंग बोल रहे, वाह यार बच्चों, जेल में जाके भी यही सोचे, किसिंग एंड किसिंग, वहां लड़की मिलेगी बेटा या जेलर? लड़कों को लड़कों के साथ रखा जाता है, लड़कियों को लड़कियों के साथ रखा जाता है, तो ज्यादा सोचो मत आप लोग, बस बेटा भी क्या ही बताएं हम आपको, नो कमेंट्स। वर्चुअल किड्स, इन लोगों को इग्नोर कीजिए, आ जाओ लिखिए, वही तो मैं कह रही हूं ना, वो कह रहा है अभी लीगली अलाउड है, मजा आ जाएगा, लड़कों से ही सराउंडेड हो। लिखो, चलो, इफ इन एनी रिटर्न और स्टेटमेंट, इफ इफ राइट डाउन, एक ही बार मैं डिक्टेट करने वाली हूं, इफ इन एनी रिटर्न और स्टेटमेंट, इफ इन एनी रिटर्न और स्टेटमेंट कॉमा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, डैश करके लिखो या पॉइंट वन दो, छोटा पॉइंट वन, फॉल्स स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन, फॉल्स स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन, फॉल्स स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन, मतलब आपने झूठी बातें बोली है, और डैश करके लिखो या जो भी पॉइंट टू अगर आपने लिखा है तो पॉइंट टू करके लिखो, material facts have been omitted, material facts have been omitted knowingly, knowingly मतलब जान बूझ के आपने सच को छुपाया है या आपने जान बूझ के झूठी बातें बोली है, material facts have been omitted knowingly, then such a person, shall be punishable, then such a person shall be punishable with, next line pe likho, imprisonment dash up to 2 years, imprisonment dash up to 2 years, and next line pe fine 1 lakh to 5 lakhs, 1 lakh to 5 lakhs। आप चाहते हो वहां पे लिखना दिस इज अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस एंड पैसे देके जेल से नहीं छूट सकते और ऐसा कुछ कुछ लिख लिया आप लोगों ने, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन पर्पस, एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा ये कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है, फिर नॉट रिक्वायर्ड, वेरी गुड, पास हो जाए वही काफी है मैम, उतना ही नॉलेज ठीक है। व्हाट? अच्छा हाँ, एग्जेम्पशन चाहिए आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, सुनो ना मेरी बात, पावर ऑफ रजिस्ट्रार
टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. अब देखो, एलएलपी की मम्मी है रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार अगर चाहे वो अपने बच्चे के बारे में इंक्वायरी कर सकती है, और बच्चा अग्रीड हर साल रिटर्न्स और रिपोर्ट्स सबमिट करता है. बट इसके अलावा भी ओवर एंड अबव कभी कभी मम्मी को लगता है देर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई शुड नो अबाउट द चाइल्ड. तब ऐसे केस में अगर आरओसी चाहे वो क्या कर सकती है, कोई भी पार्टनर को, चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है या एक्स पार्टनर है, एक्स पार्टनर मतलब फॉर्मर पार्टनर, या तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, या तो एम्प्लॉय है, आरओसी जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपीज कैन गो टू सच पीपल एंड कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन दैट इट फील्स दैट इट इज रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रार, जो उसको लगता है अप्रोप्रिएट है, जो रजिस्ट्रार को पता होना चाहिए. तो वो इंफॉर्मेशन वो पार्टनर से, डेजिग्नेटेड पार्टनर से, एम्प्लॉय से, इनफैक्ट फॉर्मर पार्टनर से भी डिमांड कर सकती है. जो बंदे को ये क्वेश्चनिंग किया गया है या ये डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है, अगर उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, देन माय डियर फ्रेंड्स द रजिस्ट्रार कैन ऑल्सो सेंड अ समन. समन मतलब नोटिस. आपको बुलावा आएगा, चिट्ठी आएगी, ओके. और फिर उसके बाद सुमन नहीं, समन, चमन. अच्छा, समन इज बुलावा. आपको चिट्ठी आएगी, प्यार भरी चिट्ठी, कि इस तारीख को इतने बजे रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंच जाना, हमें इंक्वायरी करनी है रिलेटिंग टू सर्टेन इंफॉर्मेशन विच वी वॉन्ट फ्रॉम आई आर साइड अबाउट द एलएलपी. अब देखो, मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं. अब अच्छा इंसान है तो जब बुलावा आया है, पहले तो वो फर्स्ट इसमें इंफॉर्मेशन दे देगा, नहीं देगा तो बुलावा आता है. अब बुलावा आया तो जब बुलावा आया है, जो समय पे आया है, जो दिन पे आया है, तब वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले जाएगा. बट अगर आपको बुलावा आया है और आप नहीं आए एंड आपके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं था. देखो, जेन्युइन रीजन है तो अलग बात है, जैसे कि मे बी जस्ट डिलीवरी हुई है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, कुछ कोमा वोमा में थे, या तो से फॉर एग्जाम्पल पैरालिसिस हो गया, यू आर हॉस्पिटलाइज्ड एंड यू आर जस्ट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, सम जन, या घर पे डेथ हो गई, मम्मी पापा भाई बहन बेटा बेटी, सो ऑब्वियसली बात है यू विल नॉट गो टू द रजिस्ट्रार के ऑफिस एटलीस्ट 13 दिन के लिए. तो जेन्युइन रीजन है तो अलग बात है, बट अगर बाद में पता चला आपके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं था, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है, जेन्युइन रीजन बेटा संभालो अपने आप को, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर लो फिर आप, ठीक है, और हमें भी बताना. अब ऐसे केस में सुनो मेरी बात, पता चला आपके पास कोई भी लॉफुल एक्सक्यूज नहीं था और फिर भी बुलाए गए समय पे आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं गए, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स फिर आपके ऊपर फाइन लगेगा, एंड दिस फाइन शल नॉट बी लेस देन 2,000 rupees एंड इट मे एक्सटेंड टू 25,000 rupees. सो दैट्स इट व्हाट द सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट. एक बार रीडिंग कर लेते हैं फिर समरी बना लेते हैं. देखो, बहुत ईजी है. तो अगर रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन चाहिए, रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन पाने के लिए इट मे रिक्वायर एनी पर्सन. ये एनी पर्सन में कौन कौन हो सकता है, एनी प्रेजेंट पार्टनर, फॉर्मर पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर और इवन द एम्प्लॉय. और उनको कह सकता है कि जो हम सवाल पूछ रहे हैं ना, उनके जवाब दीजिए, या तो ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ये इंफॉर्मेशन आप हमें सप्लाई कीजिए विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. अगर आपने इंफॉर्मेशन सप्लाई कर दी, क्या बात है, बट अगर आपने इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं की, मतलब आप बुरे लोगों की कैटेगरी में, यू डिड नॉट आंसर टू दीज क्वेश्चंस, तब ऐसे केस में रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार विल हैव द पावर टू समन दैट पर्सन टू अपियर बिफोर हिम. सो एज टू आंसर टू दीज क्वेश्चंस दैट द रजिस्ट्रार हैड इन हिज माइंड. या तो आप सवालों का जवाब दो,
सवालों का अगर जवाब नहीं दिया तो चिट्ठी आएगी, फिर आपको उस समय पे रजिस्ट्रार के ऑफिस में रहना पड़ेगा और जवाब देने पड़ेंगे। आप इतने बेशरम निकले, सवालों को तो जवाब नहीं दिया, आप ऑफिस में भी नहीं गए, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स देखो ना, यू डिड नॉट कंप्लाई द समन, यू फेल टू कंप्लाई विद द समन, तो ऐसे केस में सच पर्सन शल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच विल बी नॉट लेस देन 2000, मतलब मिनिमम 2000 एंड इट मे एक्स टू 25,000, एज सिंपल एज दैट। लेते हो दूसरी चिट्ठी, लिखो फटाफट, आपको ये पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, रीड करने की जरूरत ही नहीं है, ये चिट्ठी चिट्ठी जो भी आप लिख रहे हो ना उतना लिख लिया, प्रिपेयर्ड फॉर द एलएलपी एक्ट। लिखो 10 मार्क के लिए आएगा कम से कम एलएलपी एक्ट, बस बेटा कितने पेजेस है उसके, कुछ 35 पेजेस में आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं। कंपनीज एक्ट का चैप्टर 7, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 4 देखो, जिसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, और आप बोल रहे हो सिर्फ 10 मार्क। आप पढ़ो, आप इनकम टैक्स और जीएसटी एक्ट पढ़ो 100 नंबर के लिए, वही आपके लिए अच्छा है। 30 पेजेस पढ़ के 10 मार्क मिल रहे हैं, उसमें खुशी नहीं मिल रही ना आप लोगों को, और ऐड करो सिलेबस इंस्टीट्यूट, और ऐड करो। अदर लॉज इज 30 मार्क्स, बट अदर लॉज में 3 ही एक्ट आते हैं, कौन से, जनरल क्लॉजेस एक्ट, एलएलपी नहीं आता है, जनरल क्लॉजेस एक्ट आता है, फेमा आता है, और आईओएस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट इज कंबाइंड विद द एलएलपी एक्ट, तो जो 70 मार्क्स का कॉर्पोरेट लॉ है उसमें कंपनीज एक्ट और एलएलपी दोनों आता है, क्योंकि दोनों भी रजिस्ट्रार और एमसीए के स्कोप में आते हैं ना, सो बट एलएलपी को 10 मार्क्स का तो वेटेज हो गई, क्योंकि फाउंडेशन में जितना वेटेज था 5 मार्क का, डबल द सिलेबस है, तो कम से कम 10 मार्क्स के तो क्वेश्चन आएंगे। आ जाइए, लिखो पॉइंट नंबर 1, द रजिस्ट्रार इफ इट फील्स नेसेसरी, कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन from any partner, comma, designated partner or employee of the LLP, and such persons will have to supply the information within a reasonable time, Next, point number 2. If such a person does not answer within the reasonable time, or the answers are not satisfactory, जैसे कि डिप्लोमैटिक आंसर्स दिए, या जो लेवल का हमने इंक्वायरी सोचा था कि हमें आंसर्स आएंगे, उस उतनी गहराई में वो गए नहीं, ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन दे दी, तब ऐसे केस में व्हाट विल हैपन इज अ समन कैन बी सेंट।
क्या लिखा आपने पॉइंट टू में, रीड करो तो. डज नॉट आंसर और डज नॉट गिव सैटिस्फैक्ट्री और द आंसर्स आर नॉट सैटिस्फैक्ट्री, देन द रजिस्ट्रार हैज द पावर, देन द रजिस्ट्रार हैज द पावर टू समन दैट पर्सन, SUMMON. Then the registrar has the power to summon that person to appear before him. To appear before him to answer such questions. To answer such questions. And last, point number three. If he fails to comply with any summons, if he fails to comply with any summons, he shall be punishable with a fine. He shall be punishable with a fine. Aur likh lo, minimum 2000, maximum 25000. He shall be punishable with a fine. किसी को कोई शक या सवाल है? Anyone virtual students? It's an easy section. ये summary से आपका काम बन जाएगा. Next section, चलो. फटफट करना है हमें एकदम. रुके बिगर. Okay. Compounding of offences. देखो मैंने कहा ना, कंपाउंडिंग मतलब पैसे देकर आप जेल से बच सकते हो. कंपाउंडिंग के वहां पे लिखो ना, जिनको मतलब नहीं पता सब लोग लिखो, गजनी इफेक्ट है आप लोगों को. कंपाउंडिंग के वहां पे लिखो आप, पैसे देकर आप बच सकते हैं, मतलब जेल से बच सकते हैं. पैसे देकर आप जेल से बच सकते हैं. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, पैसे देकर आप जेल से बच सकते हो. अब देखो ये सेक्शन की शुरुआत ही किससे होते हैं. नाउ यू ऑल आर एक्सपर्ट इन लॉ, आपका इनकम टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, कॉर्पोरेट लॉ हुआ, आईओएस हुआ है. सेक्शन की शुरुआत ही है विथ नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सीआरपीसी. सीआरपीसी मतलब द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. इसका क्या मतलब हुआ है? इस सेक्शन ने क्या सीआरपीसी को ओवरराइड कर लिया है? ये मतलब होता है नॉट विथ स्टैंडर्ड, नॉट विथ स्टैंडिंग का. वेरी गुड. जिनको नहीं याद आया आप लिख लो बेटा, इज्जत में रहो. नॉट विथ स्टैंडिंग के वहां पे लिख लो, आपने सीआरपीसी को ओवरराइड कर दिया. सीआरपीसी इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. तो ये सेक्शन और कोई भी सेक्शन का नहीं सुनने वाला है जो सीआरपीसी में लिखा हुआ है. ये कह रहा है मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं. आई एम सुप्रीम. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉट विथ स्टैंडिंग. वेरी गुड मितेश. तो आपने सीआरपीसी को ओवरराइड कर दिया है. ओके, सो व्हाट इज दिस सेक्शन सेइंग, सुनो ना मेरी बात. अगर रीजनल डायरेक्टर चाहे तो ये रीजनल डायरेक्टर की मर्जी है. इट इज मे लिखा है या शल. अगर रीजनल डायरेक्टर चाहे वो कोई भी ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है, विच इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली बाय कलेक्टिंग फ्रॉम अ पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड द ऑफेंस अ सम विच मे एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम फाइन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस which shall not be lower than the minimum amount
प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, क्या है ये, मैं एक बार समझा देती हूं, वेट आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू ऑल विथ एन एग्जाम्पल. ओके, से फॉर एग्जाम्पल, हाँ दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पज, फिगर्स मे चेंज इन द सेक्शन, वॉट इज इंपॉर्टेंट इज द कॉन्सेप्ट. एग्जाम्पल में क्या हुआ है, से सेक्शन कहता है, सेक्शन सेज दैट मे बी द मिनिमम फाइन इज मे बी 1 lakh एंड सेक्शन सेज से मैक्सिमम फाइन इज 5 lakhs. ओके, तो अब इस सेक्शन में फाइन है मिनिमम 1 lakh और मैक्सिमम कितना 5 lakh. तो अगर आरडी चाहे क्या इसको कंपाउंड कर सकता है, कंपाउंड कर सकता है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है दिस सेक्शन इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली. बट जब आरडी आपके इस ऑफेंस को कंपाउंड कर रहा है, जब आरडी आपके इस ऑफेंस को कंपाउंड कर रहा है, तब इस केस में माय डियर फ्रेंड्स आरडी कुछ तो अमाउंट लेकर आपको इस कांड से बचा लेगा. बट ये जो अमाउंट है जो वो आपसे लेगा वो कितना पैसा होगा, यहां पे लिखा हुआ है मिनिमम. तो आरडी को जो ये मिनिमम अमाउंट स्टेट किया गया है ना, उतना तो उसको लेना ही पड़ेगा, तभी आपका ये जो ऑफेंस है वो हम कंपाउंड कर सकते हैं और इसकी सजा से आप बच सकते हो. सो इन शॉर्ट आरडी जो है, आरडी विल स्टेट एन अमाउंट. इन्होंने लॉन्ग स्टोरी को लॉन्ग ही रखा हुआ है, इस सेक्शन में कुछ भी अलग नहीं लिखा है. हम अगर आरडी कंपाउंड कर भी रहा है ना, वो मिनिमम और मैक्सिमम के रेंज में कोई फिगर प्रिस्क्राइब करके कंपाउंड कर रहा है. आरडी विल स्टेट एन अमाउंट एंड विल कंपाउंड दी ऑफेंस. देखो आप शब्दों को देखो, सेक्शन है आपके पास, टेक्स्ट बुक है. आरडी मे कंपाउंड एन ऑफेंस, आरडी मे कंपाउंड एन ऑफेंस, आरडी मे कंपाउंड एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली बाय कलेक्टिंग एन अमाउंट विच मे एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम फाइन provided it should not be lower than the minimum amount provided for the offense. तो देखो हम आपको माफ कर देंगे, हम आपको माफ कर देंगे, but माफ कब करेंगे, जब कम से कम हमने आपसे कुछ एक minimum amount collect किया है. minimum कितना होगा, minimum amount उसी section में जो contravention का punishment है उतना हम आपसे लेंगे, मैक्सिमम जितना उस सेक्शन में लिखा है उतना ही मैक्सिमम आपसे लेंगे और फिर हम आपको माफ कर देंगे. बट आगे लिखा हुआ है अगर आप यही कांड बार बार कर रहे हो, इन शॉर्ट यू आर अ रिपीटेड ऑफेंडर. रिपीटेड ऑफेंडर मतलब आप बार 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 वही कांड कर रहे हो, तब ये ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल हो जाएगा, तब ये ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल हो जाएगा. पहले हमने कहा है आपने कुछ गलत किया है, हम आपको बचा सकते हैं. कब बचाएंगे हम आपको, कुछ मिनिमम फाइन अमाउंट लेकर हम आपको बचा देंगे. एंड देयर विल बी नो कोर्ट एक्शन अगेंस्ट यू, देयर विल बी नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट यू, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं, कुछ नहीं. हम इन सब ड्रामा से आपको बचा देंगे. कब बचाएंगे, एक मिनिमम फाइन आपने रजिस्ट्रार को दे दिया, आप ये सारे कोर्ट कचहरी के चक्कर से, प्रोसिक्यूशन के चक्कर से आप बच जाओगे. बट आगे सेकंड पॉइंट कहता है, सेकंड पॉइंट की मैंने रीडिंग नहीं की है, सेकंड पॉइंट कहता है अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हो, आपने कांड किया फाइन दे दिया, वापस आपने वही कांड किया, अब हम कह रहे हैं अब ये रिपीटेड ऑफेंडर बन गए हो आप, आपने वही कांड वापस से किया है, मतलब पिछली गलती से आप सुधरे नहीं हो, अभी भी आप टेढ़े ही चल रहे हो,
अब हम आपके ऑफेंस को कंपाउंड नहीं करेंगे और जो इंसान को आपने धोखा दिया है ना, वी विल एनकरेज हिम टू फाइल अ केस अगेंस्ट यू एंड लेट द प्रोसीडिंग्स बिगिन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. नाउ दिस ऑफेंस विल नॉट बी कंपाउंडेबल. बट उसमें और एक एक्सेप्शन डाल दिया, आपने ऑफेंस रिपीट किया है, बट कब रिपीट किया है? 3 सालों के बाद. कितने सालों के बाद? 3 सालों के बाद. तब हम आपको रिपीटेड ऑफेंडर नहीं मानेंगे, तब हम मानेंगे आपका ऑफेंस वापस से पहली बार ही किया है. मतलब अगर आपको वो कांड रिपीट भी करना है ना, 3 साल बाद करो. 3 साल इज्जत में रहो, तब अपना कैरेक्टर मत बिगाड़ना, तब अपने आप को कंट्रोल कीजिए. क्योंकि तब अगर रिपीटेड ऑफेंडर की डेफिनेशन में आप आ गए ना, फिर आपको कोर्ट कचहरी से कोई नहीं बचा सकता. करना भी है ना कुछ, ज्यादा होशियारी दिखानी है ना, 3-4 इज्जत में रहो. उसके बाद अगर वही ऑफेंस आप रिपीट भी करते हो तो भी माना जाएगा इट्स द फर्स्ट टाइम. अगर ऐसा माना जाएगा इट्स द फर्स्ट टाइम ऑफेंस तो वैसे भी कंपाउंडेबल है. आई क्या बात समझ में? जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, आपने 2020 में से एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की जो करनी चाहिए थी. एलएलपी को भी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है. मतलब आपने 2020 में क्या फर्स्ट टाइम ऑफेंस कमिट किया है? अरे बोलो ना. रजिस्ट्रार आपको कोर्ट में नहीं लेके जाएगा, कहेगा आप फाइन दे दो, हम आपको माफ कर देंगे. चलो हम समझ जाएंगे कि आपको आपकी गलती समझ में आ गई है. बट अब बताओ, आपने यही कांड वापस से 2022 में किया जहां आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी, आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की, तो अब मुझे आप बताओ इस केस में क्या माना जाएगा आप एक रिपीटेड ऑफेंस कमिट ऑफेंडर हो? अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हो क्योंकि आपने सेम ऑफेंस वापस से कमिट किया है, दिस इज द सेम ऑफेंस, आपको 3 सालों में कुछ गलती करनी भी है तो नई गलती करो, सेम मत करो. दिस इज द सेम ऑफेंस, तब भी आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, अब भी आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, यू आर अ रिपीट ऑफेंडर. ऐसे केस में कंपाउंडिंग इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट पॉसिबल, जो लिखना है लिख सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल. वही अगर ये 2022 नहीं होता, चलो अज्यूम करते हैं ये 2024 होता, 2024 का फॉरगेट अबाउट दिस, हां दिस इज, एक मिनट, दिस इज ये केस वन. हम कह रहे हैं केस टू, पहली बार आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया था वो था 2020, 2021 में फाइल किया, 2022 में फाइल किया, 2023 में भी फाइल किया, अब आपने 2024 में एनुअल रिटर्न को फाइल नहीं किया है, चलेगा? मतलब कंपाउंडिंग चलेगा, तो फाइन देके आप कोर्ट कचहरी से बच सकते हो, सही या गलत? तो अब अगर ये रिपीट हुआ भी है ऑफेंस, बट इट हैज बीन रिपीटेड आफ्टर 3 years, year, what will happen? Come on. Compounding is possible. Compounding is possible. ये दो अलग अलग केसेस है. हा, फर्स्ट वाला सेम ही है 2020, और केस वन में आपने 3 सालों के अंदर ही सेम ऑफेंस कमिट किया है, केस टू में आपने सेम ऑफेंस कमिट किया है, बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years माना जाएगा फर्स्ट टाइम ऑफेंस है, और हर फर्स्ट टाइम का ऑफेंस कंपाउंड किया जा सकता है. लेट्स चेक इट आउट. ये सेक्शन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इस सेक्शन मस्ट सेक्शन है, आज आपको बहुत सारी नई बातें सीखने मिलेगी. ये देखो वापस से, आरडी मे कंपाउंड एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ अ फाइन, बट वेन विल इट कंपाउंड इट बाय टेकिंग सम फाइन. फाइन जितना मिनिमम सेक्शन में दिया है और मैक्सिमम जितना मैक्सिमम दिया है. बट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय द एलएलपी और इट्स पार्टनर्स और इट्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट
on which a similar offense was committed by it or was compounded under this section. Similar offense अगर हुआ है, कितने सालों में हुआ है? Within a period of 3 years. तो ऐसे केस में compounding possible नहीं है. वहां पे लिखो repeat offender, repeat offender. और repeat offender के वहां पे नीचे थोड़ी सी जगह है ना, यहां पे लिखो your compounding is not possible. कहां लिखोगे? यहां पे your compounding is not possible. Within 3 years same कांड अगर किया तो compounding possible नहीं है. और फिर एक explanation दिया है, सुनो ना. For the removal of doubts, it is hereby clarified that second or subsequent offense committed after the expiry of 3 years shall be deemed to be the first offense. और वहां पे फिर continue करते हुए लिखो, thus your compounding is possible. Thus your compounding is possible. Shruti, लिखो. Thus your compounding is possible. Screen cut हो रही है. हाँ, क्या? हाँ, सक्षम कह रहा है स्क्रीन कट हो रही है. Thus your compounding is possible. मेरे को एक प्राइमरी सवाल का जवाब दो. कंपाउंडिंग कौन कर रहा है? सेक्शन के फर्स्ट लाइन में लिखा है कंपाउंडिंग कौन कर रहा है? रजिस्ट्रार या आरडी? मतलब मम्मी या पापा? पापा इज डूइंग द कंपाउंडिंग. ओके, अब यहां पे आ जाओ. अभी ये 3, 4, 5, 6 इज्जत से सुनो आप. अगर नहीं सुना तो सब ओवरहेड जाने वाला है. सुनो, एवरी एप्लीकेशन फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस. जब आप कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन देते हो एज एन LLP, यू डू नॉट डायरेक्टली गो टू द RD. आप मम्मी के पास जाते हो और फिर मम्मी आपका कंपाउंडिंग का जो रिक्वेस्ट है वो पापा के पास फॉरवर्ड करती है. सुनो, एज अ किड, एज एन LLP, आप डायरेक्टली पापा के पास नहीं जाओगे. आप किसके पास जाओगे? मम्मी के पास. और मम्मी आपका कंपाउंडिंग का जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड करेगी टू पापा. सुनो मेरी बात, एवरी एप्लीकेशन फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस, एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग शैल बी मेड टू द रजिस्ट्रार, हु शैल फॉरवर्ड द सेम टू द रीजनल डायरेक्टर. और जब मम्मी पापा के पास आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करती है ना, मम्मी अपना एक्सपर्टीज ओपिनियन भी देती है. बच्चे को माफ नहीं करना चाहिए, बहुत ही बिगड़ रहा है वो, अब आप ही एक्शन लो. तो देखो आप, मम्मी जब पापा के पास जा रही है, इट इज टुगेदर विथ द कमेंट्स. ऐसा ही होता है. ओके, तो अब आप कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन किसके पास लेके जा रहे हो? रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार विल टेक इट फॉरवर्ड टू द रीजनल डायरेक्टर. बट व्हेन रजिस्ट्रार इज टेकिंग इट फॉरवर्ड टू द रीजनल डायरेक्टर, द रजिस्ट्रार विल ऑल्सो गिव हिज ओन कमेंट्स वेदर द कंपाउंडिंग शुड बी डन, शुड नॉट बी डन, और शुड बी डन विथ सम मॉडिफिकेशंस. जो भी उसकी टिप्पणी है, मम्मी जो है पापा के साथ शेयर करने वाली है, उसको मद्देनजर रखते हुए या तो पापा कंपाउंडिंग करेंगे या तो कंपाउंडिंग नहीं करेंगे. अब देखो पॉइंट 4 कहता है, वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड अंडर दिस सेक्शन वेदर बिफोर और आफ्टर एनी प्रोसिक्यूशन, वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड वेदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन, मतलब आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन. प्रोसिक्यूशन मतलब लड़ाई इन द कोर्ट ऑफ लॉ, केस फाइल करना.
intimation shall be given to the registrar within a period of 7 days from the date the offense is so compounded. पापा ने कंपाउंडिंग कर लिया, जैसे ही पापा ने कंपाउंडिंग कर लिया, शब्दों को देखो, ऑफेंस इज कंपाउंडेड, ऑफेंस इज कंपाउंडेड, कंपाउंडेड मतलब क्या? पापा ने आपको माफ कर दिया है क्या? पापा ने आपको छोड़ दिया है? तो जैसे ही पापा आपको छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, 7 दिनों के अंदर इस बारे में मम्मी को बताइए. जैसे ही पापा आपको छोड़ने की बात करते हैं, 7 दिनों के अंदर मम्मी को इस बारे में बताइए. देखो मैं वापस से कह रही हूं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कंपाउंडिंग कौन करेगा? आरडी. बट आप एज एन एलएलपी किसके पास अप्लाई करोगे? रजिस्ट्रार. रजिस्ट्रार किसको फॉरवर्ड करेगा? और आरईडी डिसाइड करेगा कंपाउंडिंग करना है नहीं करना है. कंपाउंडिंग अगर वो करेगा, वो आपसे फाइन लेकर कंपाउंडिंग करवाएगा. फाइन मिनिमम जितना सेक्शन में लिया है और मैक्सिमम जितना सेक्शन में लिखा है. बट कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है अगर ये रिपीटेड ऑफेंस है. रिपीटेड शुड बी रिपीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years. 3 सालों के बाद सेम कांड किया, इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ ये कांड आपने फर्स्ट टाइम किया है. तो कंपाउंडिंग अभी भी पॉसिबल है. अब देखो वहां पे कुछ शब्द लिखे हैं सेक्शन, ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो शब्द शुरू होते हैं विद वेर एन ऑफेंस इज कंपाउंडेड वेदर बिफोर और आफ्टर द प्रोसिक्यूशन वॉज स्टार्टेड. तो दो हिस्से है जो अगले दो पॉइंट है, एक बिफोर वाला हिस्सा है और एक आफ्टर वाला हिस्सा है. बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन. प्रोसिक्यूशन मतलब आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस शुरू हो चुका है. इंस्टीट्यूशन मतलब स्टार्ट होना, प्रोसिक्यूशन मतलब केस फाइल होके कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है. दो चीजें है देखो, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, तीनों भी सब पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है. तीनों भी सब पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है. फोर्थ पॉइंट में हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से कह दिया, जैसे ही कंपाउंडिंग हो गया, पापा मम्मी को कंपाउंडिंग के बारे में बताएंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days. ये फिफ्थ पॉइंट कहता है, वेर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन, नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन रिलेशन टू सच एन ऑफेंस. सही बोला है उन्होंने. क्या बोला है? कंपाउंडिंग ऑलरेडी हो चुका है, मतलब जो कांड आपने किया है उसके लिए आपको ऑलरेडी पापा ने माफ कर दिया है, आपने ऑलरेडी उसके लिए फाइन दे दिया है. वही कांड के लिए अब कोई भी आपके अगेंस्ट केस शुरू नहीं कर सकता है. मतलब आप पागल थोड़ी ना, आ बेल मुझे मार, माफी भी मांग रहे हो, फाइन भी दे रहे हो और कह रहे हो केस भी चलने दो मेरे अगेंस्ट, मतलब बजा रहे हो खुद की. तो बहुत बार ऐसा होता है ना, आप कुछ गलत कर देते हो, सर आपने किसी लड़की को छेड़ लिया, एग्जाम्पल, ठीक है. अब जब आपने किसी लड़की को छेड़ा, मे बी आप यू आर जस्ट इन द स्कूलिंग इयर्स, यू आर रियली गिल्टी अबाउट इट. सो आपने खुद की मम्मी को बोल दिया कि मम्मी मैंने आज गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने कुछ वो लड़की का मजाक उड़ाया, कुछ ऐसी बातें बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी. बट अब देखो आपने गलत किया है, आप खुद होके माफी मांग रहे हो. आप मम्मी के पास गए, मम्मी पापा के पास गई, पापा ने कुछ फाइन वाइन लिया और माफ कर दिया. अब देखो फाइन मतलब ऑब्वियसली यहां पे एलएलपी थोड़ी ना किसी को छेड़ेगा, ठीक है. हम यहां पे एलएलपी के ऑफेंस की बात कर रहे हैं, आई एम जस्ट को रिलेटिंग इट विथ यू एज अ चाइल्ड, ठीक है. यहां पे देखो आपने खुद होके मम्मी को बताया है और माफी मांगी है, और मम्मी पापा के पास गई है अपने कमेंट्स के साथ, और पापा ने आपको माफ कर दिया है. पापा ने जब आपको माफ कर दिया है और आपका ऑफेंस कंपाउंड हो चुका है, मतलब आपने फाइन देके अपनी माफी मांग ली है, तो ऐसे केस में कोई भी व्यक्ति आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता, ना वो लड़की जिसको आपने छेड़ा था, ना मम्मी और ना पापा, कोई भी आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता. देखो वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड बिफोर, पहले क्या हुआ है, कंपाउंडिंग हुआ है या केस हुआ है? कंपाउंडिंग, वेरी गुड, कंपाउंडिंग हो गया है.
तो ऐसे केस में क्योंकि कंपाउंडिंग हो चुका है, हम कह रहे हैं नो प्रोसिक्यूशन शल स्टार्ट अगेंस्ट यू फॉर दैट ऑफेंस. आपने ऑलरेडी यू आर गिल्टी, आपने माफी भी मांग ली और माफी की जो सजा थी वो भी आपने भुगत ली. अब वही कांड के लिए मेरे अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में आप मत जाइए. सो दिस इज व्हाट हैपेंड. यस, सो बिफोर कंपाउंडिंग हैपेंड, आफ्टर विच वी आर सेइंग बिकॉज कंपाउंडिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड, नाउ आफ्टर दैट डू नॉट स्टार्ट एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ. और सिक्स्थ पॉइंट कहता है, देखो, वेयर द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज मेड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन, मतलब वो लड़की ने आपके अगेंस्ट केस फाइल कर लिया है, अब आप बोल रहे हो कोर्ट कचहरी का चक्कर मतलब पब्लिक अफेयर हो जाएगा, अननेसेसरली बातें बिगड़ेगी, नाम बदनाम होएगा, उससे अच्छा है माफी मांग लो और केस को रफा दफा कर लो. सो यू आर आस्किंग फॉर कंपाउंडिंग. सो क्या केस फाइल हो चुका है? सिक्स वाले पॉइंट में क्या केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है? अब केस फाइल हो चुका है, अब आप माफी मांग रहे हो. अब आप माफी मांग रहे हो, मम्मी के पास माफी मांगी है, मम्मी पापा के पास गई और पापा ने आपके ऑफेंस को कंपाउंड कर लिया है. देखो देखो, कंपाउंडिंग इज मेड, मतलब पापा ने तो आपको माफ कर दिया है. किसका लेक्चर दिख रहा है? तो ऐसे केस में कंपाउंडिंग हो चुका है, बट कंपाउंडिंग कब हुआ? केस फाइल होने के बाद. बट कंपाउंडिंग तो हो गया है, पते की बात है, आपकी सजा मतलब आपने जो गुना किया है क्या उसकी माफी मिल चुकी है? जो सजा भुगतनी थी, जो फाइन देना था, क्या फाइन आपने दे दिया है? तो ऐसे केस में फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार जो कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है, जो कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है, वहां पे राइटिंग में एक नोटिस देगा कि ये बच्चे के अगेंस्ट जो केस फाइल हुआ था ना, उस ऑफेंस को पापा ने ऑलरेडी कंपाउंड कर दिया है, तो ये जो केस है ना, अब इसके बारे में चर्चा करके मतलब नहीं है, बच्चे ने खुद ही बोल दिया है कि वो गिल्टी है, उसने उसकी सजा भी भुगत ली है, ये जो केस है ना उसको आप डिस्चार्ज कर दीजिए. कुछ आई बात समझ में? मतलब डिसमिस कर दो, कैंसिल कर दो. अब इस बारे में चर्चा करके देयर इज नो सेंस. सारी बातें कबूल भी ली है, माफी भी मांग ली है, सजा भी भुगत ली है, जस्ट रफा दफा कर दो. देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग विद दैट पर्टिकुलर केस. कुछ आई बात समझ में? और एक लास्ट पॉइंट कहता है इसी सेक्शन का कि आरडी जो है, जब ऑफेंस कंपाउंड करता है, ओके, वो डायरेक्ट कर सकता है कोई भी पार्टनर को, डेजिग्नेटेड पार्टनर को या एम्प्लॉय को, ओके, टू फाइल और रजिस्टर ऑन द पेमेंट ऑफ सर्टेन फीस और एडिशनल फीस एज रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर दिस एक्ट और सच रिटर्न अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब. सुनो ना, जब रजिस्ट्रार कोर्ट के पास गई रिटन नोटिस देके कि केस को आप रफा दफा कर लो, जब आप कोर्ट के पास जा रहे हो कि केस को रफा दफा कर लो, आपको क्या लगता है कोर्ट ऐसे ही बेसलेसली रफा दफा कर लेगी क्या? कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन, कुछ तो सबूत, कुछ तो प्रूफ आपको देना पड़ेगा. तो वो प्रूफ देने के लिए रजिस्ट्रार जो है आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न्स या कुछ इन राइटिंग लिखवा के ले सकती है, जिस बेसिस पे इट विल गो टू द कोर्ट एंड रिक्वेस्ट द कोर्ट टू डिसॉल्व द केस. क्योंकि कोर्ट अलग सिस्टम आ गया इन द जुडिशियल सिस्टम. ये जो आरडी है, आरओसी है, एलएलपी है, ये सब जो है ना, दिस कम्स अंडर द एमसीए, दिस कम्स अंडर द कंपनीज एक्ट. बट आपके जो सिविल कोर्ट्स है, ओके, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल शिवाजी नगर में एक कोर्ट है, वहां पर आपका केस चालू है, दिस डज नॉट कम अंडर द jurisdiction ऑफ कंपनीज एक्ट. आरडी आ जाएगा, आरओसी आएगा, वो कोर्ट थोड़ी ना आएगा, वो कोर्ट तो नॉर्मल सिविल कोर्ट है. तब ऐसे केस में जब आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये केस को आप रफा दफा कर लो, कोर्ट भी तो आपसे कुछ रीजनिंग मांगेगा ना. तब ऐसे केस में आपको बोलने के लिए कुछ होना चाहिए, इसलिए हमने यहां पे आरडी को पावर दिया है. आरडी अगर चाहे पार्टनर से, रीजनल डायरेक्टर से, रीजनल
पार्टनर से, डेजिग्नेटेड पार्टनर से या एम्प्लॉय से अगर वो कुछ रिटर्न्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स चाहता है तो वो डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकता है, विच कैन बी सबमिटेड टू द कोर्ट इन ऑर्डर टू गेट द केस डिसॉल्व्ड। और अगर ये बंदे ने वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो ऐसे केस में, देखो वहां पे लिखा है, उसको फाइन लगेगा, फाइन का अमाउंट विल बी ट्वाइस ऑफ द अमाउंट दैट इज प्रोवाइडेड एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, ये एट पॉइंट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट डिड यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट सेवन पॉइंट्स? एक बार मैं ओवरव्यू कर लूं, ऑल दी सेक्शंस दैट आई एम टीचिंग टुडे आर न्यू सेक्शंस व्हिच वर नेवर कवर्ड इन फाउंडेशन लेवल। सब कुछ आज जो भी पढ़ाया जाने वाला है आर न्यूली इंसर्टेड सेक्शंस इन योर सिलेबस। ओके, सुनो मेरी बात। पहली बात तो कंपाउंडिंग कौन करता है? आरडी। कौन करता है? आरडी। वही ऑफेंसेस का कर सकता है जिसमें सिर्फ फाइन प्रिस्क्राइब्ड है, बाय टेकिंग एन अमाउंट विच इज इक्वलेंट टू मिनिमम अमाउंट ऑफ फाइन प्रिस्क्राइब्ड विच कैन गो अप टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन प्रिस्क्राइब्ड। बट वही ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है, ओके, जिसमें फाइन सजा है, और वो भी सेम ऑफेंस अगर आपने कमिट कर दिया 3 सालों के अंदर, रिपीटेड ऑफेंडर हो तो कंपाउंडिंग पॉसिबल नहीं है। वही आपने कांड अगर किया 3 सालों के बाद तो माना जाएगा दिस इज द फर्स्ट टाइम यू कमिटेड द ऑफेंस, तब क्या हो जाएगा? तब कंपाउंडिंग पॉसिबल है। कंपाउंडिंग करने का एप्लीकेशन आप देते हो रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार फॉरवर्ड करता है रीजनल डायरेक्टर को, रीजनल डायरेक्टर की चॉइस है या तो वो कंपाउंडिंग करेगा या तो वो कंपाउंडिंग नहीं करेगा। कंपाउंडिंग हो सकता है केस फाइल करने के पहले या केस फाइल करने के बाद। कंपाउंडिंग अगर केस फाइल करने के पहले ही हो गया, इसके बाद सेम कांड के लिए आपके अगेंस्ट कोई भी केस शुरू नहीं हो सकता। बट अगर केस ऑलरेडी फाइल्ड हो गया था जिसके बाद कंपाउंडिंग का डिसीजन आया, तो फिर रजिस्ट्रार को एक रिटन नोटिस उस कोर्ट को देनी पड़ेगी जिस कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है, टू डिसॉल्व दैट केस व्हिच वाज स्टार्टेड अगेंस्ट यू। बट कोर्ट के पास जाने के पहले रजिस्ट्रार के पास भी एक बेस, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी। बेटा संभालो अपने आपको, मत मारो अपने आपको, पता है बहुत डिफिकल्ट है, बट मारो मत ऐसे खुद को, ठीक है? अभी वेलकम टू सीए कोर्स, ठीक है? अब ऐसे केस में आरडी इसीलिए अगर चाहे पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय से इंफॉर्मेशन, रिटर्न, अकाउंट्स या जो भी डेटा उसको लग रहा है अपने स्टैंड को क्लियर करने के लिए, वो डिमांड कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट दिस सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट। गॉट इट और नो माय डियर फ्रेंड्स? और जैसे आरडी ने कंपाउंड कर लिया ना, 7 दिनों के अंदर वो आरओसी को, रजिस्ट्रार को बताएगा अबाउट द कंपाउंडिंग दैट इट हैज डन। ओके, लिखना है समरी? देखो पॉइंट नंबर 1, तो आपको शायद 1 या 2 स्टिक नोट्स लगेंगे क्योंकि इट्स अ लेंथी सेक्शन। लिखो लिखो, हाँ लिखो पॉइंट नंबर 1, क्या हुआ? लिखो लिखो जल्दी जल्दी। लिखो पॉइंट नंबर 1, द रीजनल डायरेक्टर मे कंपाउंड एनी ऑफेंस, द रीजनल डायरेक्टर मे कंपाउंड एनी ऑफेंस व्हिच इज पनिशेबल with fine only, which is punishable with fine only. By collecting
an amount of fine. By collecting an amount of fine. Next, point number two. Compounding will not be possible. Compounding will not be possible if the same offense is committed. If the same offense is committed within a period of 3 years. Within a period of 3 years. उसी सेकेंड पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए और एक सेंटेंस लिखना है. लिख लिया विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years. लिखो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years द ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी द ऑफेंस shall be deemed to be the first offense. Shall be deemed to be the first offense. Thus compoundable. Thus compoundable. Next, point number three. सेवन सेंटेंसेस है आप लोगों को लिखने के लिए, तो दो स्टिक नोट्स तो कम से कम लगेंगे. हाँ जो भी है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग शैल बी मेड टू द रजिस्ट्रार. एप्लीकेशन फॉर द कंपाउंडिंग. अक्षत फोन अंदर रखो. शैल बी मेड टू द रजिस्ट्रार. Shall be made to the registrar who shall forward it with his comments. Who shall forward it with his comments to the regional director. To the regional director. आप application दोगे registrar को. रजिस्ट्रार उसको फॉरवर्ड करेगा आरडी को अपने कमेंट्स के साथ. नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर. वेयर द ऑफेंस इज कंपाउंडेड. वेयर द ऑफेंस इज कंपाउंडेड. इंटीमेशन शैल बी गिवन टू द रजिस्ट्रार. इंटीमेशन मतलब टू इन्फॉर्म अ पर्टिकुलर पर्सन. Intimation, I-N-T-I-M-A-T-I-O-N. Intimation shall be given to the registrar within a period of 7 days. ये summary notes बहुत important है, क्योंकि अगर आप textbook में इन sections को read करोगे, they are very technical. You cannot understand them by plain reading. Within a period of 7 days. जैसे compounding हुआ ना, registrar को इस बारे में 7 दिनों के अंदर बता दो. Next point number 5. Where the offence is compounded before, where the offence is compounded before, before. हाँ तो मैं वही सोच रही हूँ. इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन लिखोगे क्या? नहीं ना, मुझे भी पूरा भरोसा था. बिफोर स्टार्टिंग एनी केस वेयर एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेड. बिफोर स्टार्टिंग एनी केस. क्या मैंने कुछ गलत नहीं बोला है? मैं रिपीट करी तो आपने फिर से लिख लिया. देखो मैंने क्या रिपीट किया पॉइंट फाइव में.
where any offense is compounded before starting any case, comma, no case, no case shall be filed. No case shall be filed. Henceforth, henceforth मतलब उसके बाद, no case shall be filed henceforth in relation to such offence. In relation to such offence. उस कांड के लिए अभी केस नहीं हो सकता है, दूसरा कुछ कांड करोगे तो मेरे को मत बोलना, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6. Where compounding was made after a case being filed. Where compounding was made after a case being filed. मैं वापस से आपको पूछना चाहती हूं, compounding क्या हो चुका है? हाँ. Where compounding was made मतलब क्या आपको माफी मिल चुकी है? फाइन देके क्या सजा आपने भुगत ली है? सो वेयर कंपाउंडिंग वॉज मेड आफ्टर अ केस वॉज फाइल्ड कॉमा द रजिस्ट्रार विल गिव अ नोटिस इन राइटिंग. द रजिस्ट्रार विल गिव अ नोटिस इन राइटिंग टू द कोर्ट. कौन से कोर्ट को? हर कोर्ट को, उसी कोर्ट को जहां पे आपका केस पेंडिंग है. द रजिस्ट्रार विल गिव अ नोटिस इन राइटिंग टू द कोर्ट वेयर द केस इज पेंडिंग. वेयर द केस इज पेंडिंग. So that, why are you doing this? हाँ, so that the case is discharged. So that the case is discharged. Compounding भी कर रहे हो, केस भी चलते रह रहा है, बेवकूफ थोड़ी ना आप, समझ रहे हो ना आप? So that the case is discharged. और वो last point लिखना है क्या? RD information नहीं, उसका fine भी मैं नहीं लिखवा रही. Next. सेक्शन 42, एक मिनट में मैं कर रही हूं बिकॉज दिस इज सेम टू सेम एज सेक्शन 29 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट. अब ये मत बोलना पार्टनरशिप एक्ट भी ऑप्शन में छोड़ा था, LLP छोड़ा था, अलग बात है. पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन नंबर 29, जिन्होंने मेरी क्लास की थी, मैंने मलाइका अरोरा खान का एग्जाम्पल दिया था, अरबाज, सोहेल और सलमान भाई. ओके, तो अब देखो यहां पे क्या हुआ है. अभी एग्जाम्पल अपडेट करना पड़ेगा, अब नई बीवी आ गई है, ठीक है. सुनो ना मेरी बात, अगर पार्टनर चाहे, पार्टनर क्या कर सकता है? उसका जो राइट है, राइट टू व्हाट? शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द LLP, ओके, एंड रिसीव एनी डिस्ट्रीब्यूशंस. ही कैन ट्रांसफर इट टू समवन एल्स ईदर पार्शली और होली. सुनो मेरी बात, आप अगर चाहो आप क्या कर सकते हो? आपका जो राइट है, राइट टू व्हाट? रिसीव द शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द LLP. यू कैन ट्रांसफर इट टू समवन एल्स. आप जो ट्रांसफर कर रहे हो उसको कहते हैं ट्रांसफर और पार्टनर, और जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो उसको कहते हैं ट्रांसफरी पार्टनर. बट ये जो ट्रांसफरी है ना, ये ट्रांसफर को एक ही राइट है, प्रॉफिट डिमांड करने की, जो ट्रांसफर और का राइट था. से फॉर एग्जांपल 1/3 राइट है प्रॉफिट में, उतना ही 1/3 प्रॉफिट ट्रांसफर ही डिमांड कर सकता है. उसको सिर्फ प्रॉफिट डिमांड करने का अधिकार है, हमने उसको पार्टनर नहीं बनाया है. सो दिस पर्सन डज नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, और दिस ट्रांसफरी डज नॉट हैव अ राइट टू गेट द एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टू द ट्रांजैक्शंस ऑफ द LLP. आपको सिर्फ
एक ही राइट है. यस, एंड दैट राइट इज टू रिसीव द प्रॉफिट्स इन द पार्टनरशिप. इसके अलावा यू हैव नो राइट्स. यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. सेम टू सेम साइड. तीन पार्टनर्स है बट ये एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है. ये क्या है? एलएलपी है. सोहेल, सलमान एंड अरबाज आर थ्री पार्टनर्स हु आर गेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ दिस एलएलपी इन इक्वल प्रपोर्शन, 1:1:1. अरबाज क्या कर रहा है? अरबाज ने अपना जो इंटरेस्ट है इन दिस एलएलपी वो ट्रांसफर कर दिया है टू मलाइका अरोरा. ओके, नाउ मलाइका द ट्रांसफरी हैज विच राइट्स? ओनली वन राइट. व्हाट वन राइट? पूरे साल भर में एलएलपी ने जो भी प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा जो अरबाज को देने वाले थे उसको ना देते हुए वी विल गिव इट टू मलाइका. बट मलाइका हैज नो राइट्स टू गेट एक्सेस टू द अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दिस एलएलपी. देखो क्रॉस. शी ऑल्सो कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी. उसको एक ही राइट है एंड दैट इज टू गेट द प्रॉफिट्स, दैट टू नॉट पूरा प्रॉफिट. जो ट्रांसफर और का प्रॉफिट का राइट था ना, वही शेयर किसको मिलाएगा? मलाइका को. यस नो गाइस? पक्का? और ट्रांसफरी को प्रॉफिट का हिस्सा जा रहा है इसका ये मतलब नहीं है एलएलपी डिसॉल्व हो रहा है. एलएलपी जैसी है चलती की चलती रहेगी. इनफैक्ट मैनेजमेंट भी ये तीनों भाई करने वाले हैं. आप सिर्फ अपना अधिकार किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं. यहां पे सेक्शन में इसको क्लेरिफाई किया हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ राइट्स डज नॉट कॉज द डिसोसिएशन ऑफ द पार्टनर. इसका ये मतलब नहीं अब अरबाज का कोई राइट नहीं है. अरबाज अभी भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा. अरबाज ही वो व्यक्ति है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस है. इनफैक्ट डे टू डे अफेयर्स अगर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय अरबाज ओनली. मलाइका को एक वेरी लिमिटेड राइट ट्रांसफर किया गया है एंड दैट इज ओनली टू गेट द राइट, दैट इज ओनली टू गेट द प्रॉफिट्स इन दैट एलएलपी. जितना अरबाज का हिस्सा था उतना, दैट्स इट. है ना? इतना आप लिखना चाहते हो तो ये पीपीटी के थ्रू लिख सकते हो. आप फुल इंटरेस्ट भी ट्रांसफर कर सकते हो, पार्शियली भी कर सकते हो. 1/3 अगर नहीं करना चाहते हो तो 1/3 का आधा भी कर सकते हो. तो जितना उसको प्रॉफिट मिला है आधा अपने पास रखेगा, आधा मलाइका को देगा. वहां पे क्लियरली लिखा है या तो फुल इंटरेस्ट या तो इन पार्ट. बराबर ना? हो कि नहीं? हाँ अगर, अच्छा ठीक है सॉरी. इंस्टीट्यूट का ये फेवरेट सेक्शन था फाउंडेशन में, पार्टनरशिप में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. 29 और 30 माइनर का वो भी फेवरेट था. 29-30 दोनों इंपॉर्टेंट है. ही ऑल्सो कैनॉट, ही और शी कैनॉट इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैनॉट डिमांड द बुक्स, कैनॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, विल ओनली गेट द प्रॉफिट, दैट्स इट. ड्रॉ कर रहे हो क्या ये? करो फटाफट, पटपट फोटो चिपका दो उसको फेविकॉल से. डन वर्चुअल किड्स, कम ऑन. सॉन्ग सुनना है उसके बाद क्या है? कन्वर्जन है, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, वाइंडिंग और डिसोल्यूशन. हो गया है क्या मेरा? हाँ, ये हुआ है. मिसलेनियस के जो सेक्शन है तीन, एडिशनल फीस, एनहांस पनिशमेंट. ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन. ये भी हुआ है ना? कंपनीज एक्ट के अगर प्रोविजन चाहे तो एलएलपी पे लग सकते हैं. हो गया है ना? सो आई जस्ट हैव टू डू टिल 31 ना? ठीक है. तो क्या है? कन्वर्जन है, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन. हो जाएगा, हो जाएगा फटफट.
नहीं मैं सर को बोल दूंगी 3:30-4 जो भी है मेरे को आज मिल, मैं वापस नहीं आने वाली हूँ। कुछ भी आ जाओ, 8:30 के बाद नहीं लेंगे सर आज। अभी यहाँ पे गद्दे और कंबल अरेंजमेंट करवा देती हूँ, डिनर भी यहाँ पे करवा देती हूँ, इधर ही सो जाओ आप। और सुबह परफ्यूम वर्फ्यूम लेके आती हूँ सबके लिए, रूम फ्रेशनर लेके आ जाती हूँ, बैठ जाओ इधर ही है ना, आने जाने का समय तो बच जाएगा हमारा। अरे सर जब चाइना जाएंगे तो पूजा मैम को बोला ना तब आप लेक्चर ले लेना। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपको छुट्टी मिलेगी, मतलब आप ऐसे सोचने के पहले थोड़ा सा आप दिमाग इस्तेमाल करो, मतलब आपका डिमांड करना भी कितना, इट्स नॉट येट डिसाइडेड, नॉट 2 जनवरी, नॉट 2 जनवरी। सर को पूछो अभी, पता नहीं नहीं रे चाइना क्यों जाएगा कहीं। एग्जैक्टली आ जाओ, सुनना है क्या सॉन्ग सच में, कम ऑन। चलो गाइस थोड़े से समय की बात है, संभाल लो अपने आपको। ओके, कन्वर्जन इनटू एलएलपी, इसके लिए एक छोटी सी समरी बनाई है, सुनो ना। Day 1 एलएलपी एक्ट में हमने बताया था आपको, फर्स्ट शेड्यूल वॉज टॉकिंग अबाउट द राइट्स बिटवीन द पार्टनर्स एंड एलएलपी विद द पार्टनर्स। सेकेंड शेड्यूल जो था वो था फर्म अगर कन्वर्ट करना चाहती है एलएलपी में। थर्ड शेड्यूल प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट करना चाहती है एलएलपी में। और फोर्थ शेड्यूल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर चाहे तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है इनटू एन एलएलपी। तो अब आने वाला जो सेक्शन है, ओके, 4 सेक्शंस आर टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन। तो सबसे पहले तो जो सेक्शन 55 है ना, देखो आपके टेक्स्ट बुक में 26 पेज नंबर पे वो यही कह रहा है, फर्म अगर एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहती है सेकेंड शेड्यूल फॉलो करो। फोन अंदर रख दो बेटा, ब्रेक खत्म हो गई। प्राइवेट कंपनी अगर कन्वर्ट करना चाहती है एलएलपी में तो थर्ड शेड्यूल फॉलो कीजिए। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहती है तो कौन सा शेड्यूल फॉलो करेगी, फोर्थ शेड्यूल फॉलो करेगी। हो गए 3 सेक्शंस, ज्यादा आप सेकेंड थर्ड फोर्थ शेड्यूल जो है रिस्पेक्टिवली फॉलो करके अपने फर्म को, प्राइवेट कंपनी को या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कर सकते हो कन्वर्ट। ओके, जब आप शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, शेड्यूल के साथ साथ सुनो ना मेरी बात, यू ऑल्सो मेक इट श्योर कि आप एलएलपी एक्ट के सारे प्रोविजंस अलोंग विद द रूल्स को भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है। सो जैसे रजिस्ट्रार को लगता है हाँ इस फर्म ने या प्राइवेट कंपनी ने या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ने शेड्यूल को फॉलो किया है, एलएलपी एक्ट के सेक्शंस को, प्रोविजंस को, रूल्स को फॉलो किया है, तो फिर रजिस्ट्रार जो है वो क्या करेगी, एलएलपी को इश्यू करेगी एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस दिन ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस दिन से ना फर्म रहेगी, ना प्राइवेट कंपनी रहेगी, ना अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी रहेगी। अब दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विल नाउ बी ऑफिशियली कन्वर्टेड इनटू एन एलएलपी। और जैसे ही एलएलपी में कन्वर्ट होगी, फर्म के या वो कंपनी के जो भी एसेट्स थे, टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, सारे के सारे विल नाउ बिलोंग टू द एलएलपी। जो भी लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस थे वो सारे लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस विल ऑल्सो बी नाउ द लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द एलएलपी। कुछ केस फाइल्ड होगा या केस फाइल किया गया था वो भी अब कौन रिप्रेजेंट करेगा, एलएलपी। और जैसे ही आपको ये नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है 15 दिनों के अंदर
आपको इन्फॉर्म करना होगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को, अगर आप पार्टनरशिप फर्म थे तो, और अगर आप प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थे तो आप 15 दिनों के अंदर सबमिट करोगे टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसके अंडर आप प्रीवियसली रजिस्टर्ड थे ना, उनको अब बताना जरूरी है कि हम फर्म नहीं है, एलएलपी हो चुके हैं, या कंपनी नहीं है, अब एलएलपी हो चुके हैं। ज़ाला चारों भी सेक्शंस एक बार रीड कर लेते हैं, देन यू कैन राइट दिस डाउन। ये देखो, द रजिस्ट्रार ऑन सैटिस्फाइंग कि आपने शेड्यूल फॉलो किया है, आपने एक्ट के प्रोविजंस फॉलो किए हैं, रूल्स को फॉलो किया है, इट्स गोइंग टू इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब ही इनकॉर्पोरेशन, ओके। और इसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एलएलपी का डेट मेंशन रहेगा, विच विल बी द बर्थ डेट ऑफ द एलएलपी। यहीं से अब फर्म खत्म, एलएलपी शुरू, या कंपनी खत्म, एलएलपी शुरू। और जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, एलएलपी को 15 दिनों के अंदर इन्फॉर्म करना है। किसको इन्फॉर्म करना है? या तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को, अगर आपकी पहले पार्टनरशिप फर्म थी तो, या तो आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, अगर आपकी कंपनी थी तो। किस बारे में? अबाउट द कन्वर्शन। जो भी सारे पार्टनर्स थे पार्टनरशिप फर्म के, अब वो पार्टनर बन जाएंगे एलएलपी के, या जो भी सारे शेयर होल्डर्स थे प्राइवेट कंपनी के या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के, अब वो पार्टनर्स बन जाएंगे एलएलपी के। बराबर ना? अलोंग विद दैट, सुनो ना मेरी बात, आपकी सारी एसेट्स, चाहे टैंजिबल है इनटैंजिबल है, मूवेबल है इमूवेबल है, लाइबिलिटीज है या ऑब्लिगेशंस है, अब वो किसकी हो जाएगी जो पहले फर्म या कंपनी की थी? Yes, is going to be transferred to the LLP. और उसी दिन से माना जाएगा आपकी फर्म या कंपनी is now dissolved and will be removed from the records of the registrar of firms or the registrar of companies. झालं, लिख लो ये, चलो सॉन्ग प्ले कर लो। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा डीट है, वायरल हो गया ये ट्वीट, पर फूल वूल करने में कूल तो बड़ी तेज कटारी है। शक्ने तेरे 10 मिनट जल्दी आ गया कि हमने कर दी तैयारी, नच देने सारे लाल मिल के। अल्लू बड़े करारे तरम नाल, अल्लू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तरम नाल, स्वीटू अच्छा मारे। अल्लू बड़े करारे तरम नाल, अल्लू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तरम नाल, स्वीटू अच्छा मारे। मुंडे खाने।
कर डीजे। हो गया ना, इतना टाइम इसके लिए नहीं दे सकते बेटा, हमें कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमेलगमेशन सब करना है। आ जाइए, चलो चलो। हो गया डिसाइड? फॉरेन एलएलपी, इसमें कुछ नहीं यार, ये कट भी कर दिया तो भी चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकता है फॉर एनी फॉरेन एलएलपी विच इज कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया। कट कर लो यार, इट्स नॉट एट ऑल रेलेवेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कर दो, इट्स देयर इन योर सिलेबस, बट जब रूल्स बनाएंगे तब देखा जाएगा। उतना ही सेक्शन 59, दैट्स इट। उन बच्चों को बोल दो। ओके चलो, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एलएलपी। अब थोड़ा 10-15 मिनट सुनो आप, इस सब के बारे में बताना चाहती हूं, क्योंकि इसके बाद का सेक्शन भी उससे जुड़ा हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन एंड अमेलगमेशन, एंड देन वी आर डन ना। चार ही टर्म्स है हमारा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट रिकंस्ट्रक्शन अमेलगमेशन, ज़्यादा। ऑल दीज आर न्यूली इंसर्टेड सेक्शंस, नेक्स्ट लेवल है, सीए फाइनल के लेवल के ये सेक्शंस है। और सुनो, इज्जत से सुनो, जैसे वो वाला सेक्शन था ना अभी आपने किया था कंपाउंडिंग वाला, वैसा ही कुछ है। सुनो मेरी बात यहां पे, कॉम्प्रोमाइज, व्हाट इज अ कॉम्प्रोमाइज और एन अरेंजमेंट, कैन समबडी टेल मी? कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट क्या होता है? जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, व्हाट इज अ कॉम्प्रोमाइज? हाँ, एडजस्ट कर लेते हो। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? यू आर गिविंग मी अ सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट करना, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज और एन एडजस्टमेंट? देखो, से फॉर एग्जाम्पल देर इज एन एलएलपी, सुनो ना मेरी बात, ओए, एलएलपी है, एंड से फॉर एग्जाम्पल एलएलपी का कोई एक क्रेडिटर है मिस्टर भोला, और एलएलपी, क्रेडिटर मतलब समझता है, एलएलपी को इस क्रेडिटर को पैसा देना है, से फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए। बट अनफॉर्चुनेटली What has happened is LLP ने बहुत सारा पैसा अपना जो है वो एंगेज कर दिया है कुछ फैक्ट्रीज में, कुछ प्लांट्स में, कुछ हैवी मशीनरी में, और जो सोचा था उन्होंने कि सेल करके हमें पैसा मिलेगा, वो मिल नहीं रहा है। अब जब मशीनरी खरीदनी थी तब मिस्टर भोला से तो लोन ले लिया था, बट अब जब रीपेमेंट का समय आ रहा है तो रीपेमेंट के समय पे अनफॉर्चुनेटली LLP is not in a position to repay this 50 लाख रुपए। तो अब देखो, हो सकता है LLP ना मिस्टर भोला को बुलाए और अब मिस्टर भोला को कहे कि देख मिस्टर भोला, राइट नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ सम कस्टमर जिससे बड़ा पैसा आने वाला है, बट तुम्हारा तो ड्यू जो है अभी 1 जनवरी में ही है पेमेंट, 1 जनवरी तक वो कस्टमर से हमें पैसे नहीं आएंगे, बट हाँ इस कस्टमर ने वादा किया है कि मार्च अप्रैल तक पैसा आ जाएगा, तो प्लीज आपका रीपेमेंट का शेड्यूल एक्सटेंड कर दो, 1 जनवरी के बदले 1 अप्रैल कर दीजिए, हम आपको पूरा पैसा लौटाएंगे। आपने क्या कर दिया, रीपेमेंट शेड्यूल को बढ़ा दिया है, जहां पे ड्यू डेट ओरिजिनली ड्यू डेट क्या थी, 1 जनवरी 2024, यू वॉन्ट टू शिफ्ट इट टू 1 अप्रैल। या तो फिर सिर्फ आप बोलोगे मैम 1 जनवरी को जो पैसा मिलने वाला था 1 अप्रैल को मिल रहा है, तो ये बंदा भोला क्यों मानेगा? हो सकता है हम कह सकते हैं ये जनवरी फेब मार्च 3 महीना जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसमें मैं इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा, ऐसा लोन पे मैं इंटरेस्ट 8% पे दे रहा था, ये 3 महीने के लिए मैं 10% पे दूंगा, एटलीस्ट आपको आपका पैसा तो मिल रहा है। या तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, एलएलपी जो है ना वो कहती है देखो वी आर इन अ पोजिशन दैट वी माइट वाइंड अप,
हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, सारा पैसा हमारा मशीनरी में, लैंड में, फैक्ट्री में इन्वेस्ट हो गया और इन्फ्लो ही नहीं आ रहा है। वी माइट गेट डिसॉल्व और आपको ये 50 लाख रुपए जो है ना वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर हम इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते ना, हो सकता है ये 50 लाख का आपको सिर्फ 10 लाख रुपए मिले। तो हमने इनसॉल्वेंसी के लिए फाइल तो कर दिया है केस, कोर्ट हमें इनसॉल्वेंट डिक्लेयर करे उसके बदले ना ये 50 लाख के बदले ना आप 30 लाख रुपए ले लो और हमारी डेट क्लियर कर दो। अब कोई बच्चे सोचेगा मैम 50 के बदले 30 मिल रहा है तो भोला हां क्यों बोलेगा? अरे बेटा 30 तो मिल रहा है, आप सोचो अगर 30 नहीं ना, ऑफिशियली कोर्ट जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा ना 10 पे ही मेरे को सेटल होना पड़ेगा और कोर्ट के ऑर्डर के आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट इवन बी एबल टू फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन। तो इट इज बेस्ट कि 50 के बदले 30 तो मिले, सिर्फ 20 लाख का बैड डेट हो रहा है, नहीं तो 40 का बैड डेट हो जाएगा। तो नाउ व्हाट आर दीज? दीज आर नथिंग बट दीज आर एग्जांपल्स ऑफ अरेंजमेंट्स और कॉम्प्रोमाइजेस। आपने एडजस्ट कर लिया है, सोचा 50 नहीं तो ठीक है 30 तो ले लेते हैं और भूल जाते हैं बाकी सारी चीजों को। सो दीज आर नथिंग बट दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस एंड अरेंजमेंट्स। अगर एलएलपी चाहे, एलएलपी अपने पार्टनर्स के साथ, क्योंकि कभी कभार एज अ पार्टनर भी आप एलएलपी को लोन देते हो, क्या एलएलपी इज अ सेपरेट पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ? एलएलपी अलग, पार्टनर्स अलग। तो जैसे क्रेडिटर लोन देते हैं, पार्टनर भी एलएलपी को लोन दे सकते हैं और फिर वो बंदा डबल कैपेसिटी पे प्ले कर रहा है, एज अ पार्टनर ऑल्सो एंड एज अ क्रेडिटर ऑल्सो। कभी अगर एलएलपी को ऐसे लगे कि वो मरने आया है, वो कोमा में जाने वाला है और डूब सकता है, मर सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन कॉल इट्स पार्टनर्स और इट कैन कॉल इट्स क्रेडिटर्स जो ऑलरेडी एलएलपी में इंटरेस्टेड है और उनसे वो कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। अकाउंट्स में आपने कुछ इंटरनल रिस्ट्रक्चर या रिकंस्ट्रक्शन किया है? एग्जैक्टली वही वो चीज है। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज अ बिग कॉन्सेप्ट जिसमें बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें वन ऑफ द पॉइंट्स आर कॉम्प्रोमाइजेस एंड अरेंजमेंट्स। रिकंस्ट्रक्शन में यूजुअली आप बैलेंस शीट को रियलिटी पे लाते हो। ओके, सो दैट्स अ वाइडर कॉन्सेप्ट। रिकंस्ट्रक्शन बहुत तरीके से हो सकता है, जिसमें से कुछ कुछ बच्चे जो है रिकंस्ट्रक्शन का आर दीज कॉम्प्रोमाइजेस एंड अरेंजमेंट्स। आपको पता है 50 लाख देने की औकात ही नहीं है आपकी, या अगर है भी अभी तो आप नहीं दे सकते हो बिकॉज यू आर नॉट एट ऑल लिक्विड, यू आर नॉट एट ऑल कैश रिच। तो या तो आप टाइम बढ़ा दो, या तो फिर आप पैसे पे सेटल कर लो, या तो आप कुछ तो एडजस्ट कर लो। आप कह दो मैं पैसे नहीं है, मेरा लैंड ले लो, ये जमीन मेरी यहां पे पड़ी हुई है जो इन्वेस्टेड है, जिसका कोई काम नहीं है, आई डोंट वांट टू सेट अप एनी मोर फैक्ट्री, ये ले लो और खत्म कर दो, जो भी है रफा दफा कर दो इस बात को। सो दिस इज नोन एज अ सेटलमेंट, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज और एन अरेंजमेंट। अगर एलएलपी को लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मैं कोमा में चले जाओ या मैं मर ही जाओ, इट कैन कॉल इट्स पार्टनर्स और इट कैन कॉल इट्स क्रेडिटर्स एंड इट कैन गो फॉर अ कॉम्प्रोमाइज और एन अरेंजमेंट। अब एलएलपी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट के लिए जाए, उसके पहले उसको लेना पड़ता है उसके क्रेडिटर्स का या पार्टनर्स का अप्रूवल, जो भी है। इस एग्जाम्पल में इट वॉज द क्रेडिटर। अगर पार्टनर्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो या अरेंजमेंट कर रहे हो तो आपको किसका अप्रूवल लगेगा? जिनको आप एडजस्ट करने बोल रहे हो ना, उन्हीं का अप्रूवल लगेगा, एज सिंपल एज दैट। तो कितने लोगों का आपको अप्रूवल लगता है? दो एस्पेक्ट से, एक तो मेजोरिटी इन नंबर, मेजोरिटी इन नंबर, अलोंग विथ मेजोरिटी इन नंबर दीज पीपल शल ऑल्सो बी होल्डिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ द अमाउंट। दो चीजें, मेजोरिटी इन नंबर एंड अलोंग विथ मेजोरिटी इन नंबर जो वैल्यू है जिसको आप कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हो 3/4 से ज्यादा वैल्यू होल्ड करनी चाहिए। उतने लोग अगर हां बोलते तो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट हो सकता है। एक बार टेक्स्ट बुक पे आओ ना, मैं दोनों चीजें साइमल्टेनियसली कराना चाहती हूं। देखो एक बार क्या पेज नंबर होगा, 28। पेज नंबर 28, वेर एवर देर इज अ कॉम्प्रोमाइज और एन अरेंजमेंट प्रपोज। कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट किनके बीच में हो रहा है? एलएलपी और उसके क्रेडिटर्स, या तो फिर एलएलपी और उसके पार्टनर्स।
तो ऐसे केस में ये कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट किसके अप्रूवल पे होने वाला है? ओनली ऑन द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल. बट ट्रिब्यूनल के पास भी जाने के पहले मैंने आपको कहा ना, मेजॉरिटी लोग, मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी इन नंबर, सिर्फ मेजॉरिटी इन नंबर से काम नहीं चलेगा. दीज मेजॉरिटी इन नंबर शैल बी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू. या तो ये क्रेडिटर्स हो गए या तो पार्टनर्स, डिपेंडिंग आपने कॉम्प्रोमाइज किसके साथ किया है, पार्टनर्स के साथ या क्रेडिट. ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है क्योंकि ये एलएलपी से जुड़े हुए हैं. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वुड बी नेक्स्ट सेक्शन, अमेलगमेशन. पता है आपको मैं क्या बोल रही हूँ या सब कुछ, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, यू ऑल आर नॉट इवन रिएक्टिंग. ऐसे बिहेव करो जैसे कि मैं चाइनीज में बोल रही हूँ. सो ट्रिब्यूनल ये कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट को अप्रूवल देती है, बट दिस विल ओनली हैपन व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर होल्डिंग 3/4 इन वैल्यू आर अप्रूविंग फॉर द सेम. ठीक है, अब देखो, मेजॉरिटी इन नंबर एंड रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू का क्या मतलब होता है? कैन आई जस्ट स्विच द स्क्रीन? आपने इसको हाईलाइट कर दिया है. मैं 2-3 सवाल आपको पूछने वाली हूं, जस्ट गिव मी द आंसर बिकॉज इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है. देखो, से फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द क्रेडिटर्स. हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्रेडिटर्स के साथ. ये हमारे क्रेडिटर्स है और ये उनका अमाउंट है. से ए बी सी डी ई, ओके, देर आर 5 क्रेडिटर्स और ये जो 5 क्रेडिटर्स है उनका कितना अमाउंट ड्यू है टुवर्ड्स द एलएलपी. से फॉर एग्जांपल, ए का है 1,50,000 रुपीज, इसका 2 लाख, 3 लाख, एनी अमाउंट, मे बी 1 लाख, 50,000 रुपए. ये कितने लोग है बताओ तो. अच्छा, और ये कैलकुलेट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लाख. ठीक है, 8 लाख का 3/4 बताओ तो 6 लाख. डिवाइडेड बाय 4 × 3 करो 6 लाख. और इसका मेजॉरिटी नंबर 5 का एटलीस्ट 3. 5 में मेजॉरिटी क्या होगा? 3, 4, 5 वुड बी मेजॉरिटी. अब हम क्या बोल रहे हैं, कितने लोगों का कंसेंट होना जरूरी है? कितने लोगों का? एटलीस्ट 3. सिर्फ एटलीस्ट 3 मत बोलो, ये 3 लोगों ने होल्ड करना चाहिए कम से कम 8 लाख, सॉरी 6 लाख. मैं आपको बताती हूं, आप देखो, सपोज ए ने हां बोला, ई ने हां बोला और डी ने हां बोला. इसने मना कर दिया कॉम्प्रोमाइज के लिए, इसने भी मना कर दिया. 5 में से 3 लोगों ने तो हां बोल दिया है, बट आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख, 2.5 लाख और ये 3 लाख. वैल्यू कितना हुआ? 3 लाख. चाहिए कितना था? कॉम्प्रोमाइज हो सकता है क्या? ट्रिब्यूनल हाई नहीं बोलेगा, समझ रहे हो आप? क्यों नहीं हो सकता है? अमाउंट 6 लाख से कम है, अमाउंट 6 लाख से. अच्छा, अगर 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 दूसरा एग्जांपल लू क्या? आई जस्ट डिलीट दिस. से बी ने हां बोल दिया, सी ने हां बोल दिया और डी ने हां बोल दिया. 4, 5, 6 अभी क्या चलेगा? चलेगा. अच्छा चलो, एक मिनट, इसको हम क्या कर देते हैं, और एक तीसरा एग्जाम्पल, हाँ लास्ट एग्जाम्पल में ले रही हूं, आपको समझ गया. एक मिनट रुक, कुछ फिगर्स चेंज कर देती हूं मैं इसको. मैं कर देती हूं, ये कितना? 1 लाख है ना, ये 10 लाख कर देती हूं, तो ये 18 लाख हो गया क्या? नहीं नहीं, 18 लाख नहीं होगा, 17 लाख होगा ना, 1 लाख तो पहले से था. 17 लाख का 3/4 कितना होता है? कैलकुलेट करो ना फटाफट, क्या बैठे हो ऐसे? कितना? 12 लाख. हाउ मच? 1275.
वाह, सुनो मेरी बात, डी ने हां बोल दिया और सी ने हां बोला, क्या कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा? क्यों? डी और सी का टोटल वैल्यू 13 लाख है। सी, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, हुशार हो गए आप लोग। वी वॉन्ट बोथ द कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड टूगेदर। भले ही सी और डी ने हां बोला है, वैल्यू में 3/4 कैटेगरी सैटिस्फाई हो चुकी है, बट नंबर वाइज दे आर नॉट इन मेजोरिटी, दे आर ओनली 2 creditors। इसमें अगर ई भी हां बोल देता ना तो फिर चलता था, बट अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ 5 ओनली 2 सेड यस, सो कॉम्प्रोमाइज कैन नॉट बी पॉसिबल। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रोमाइज के लिए अगर जाना है मेजोरिटी भी लोग सेटिस्फाई होने चाहिए, एंड मेजोरिटी लोग शुड बी होल्डिंग एटलीस्ट 3/4 इन वैल्यू, तो ही आपका कॉम्प्रोमाइज जो रहेगा दैट विल बी बाइंडिंग एंड दैट कैन बी एनफोर्स्ड ऑल्सो बाय द ट्रिब्यूनल। सो क्या बेटा, किसी ने बुलाया मुझे? सो सी, सबसे पहली बात तो आप ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, फर्स्ट अप्रूवल इज नॉट फ्रॉम दीज क्रेडिटर्स और पार्टनर्स, फर्स्ट अप्रूवल इज फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। ओके, आफ्टर द ट्रिब्यूनल सेज यस, नाउ यू विल आस्क दीज पार्टनर्स और क्रेडिटर्स, हु आर दीज पार्टनर्स और क्रेडिटर्स, एटलीस्ट मेजोरिटी पार्टनर्स और क्रेडिटर्स रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू, देन ओनली माई डियर फ्रेंड्स you can go ahead with this compromise or arrangement, and then this compromise and arrangement will be binding on all the partners or all the creditors. Matlab yahan pe dekho, C D E ne haan bola tha but A or B ne na bola tha, but tribunal ne haan bol diya, majority representing 3/4 ne haan bol diya, to ab A or B ko bhi मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल रही है नहीं? एग्जैक्टली देखो यहां पे क्लियरली लिखा है, ऑल द पार्टनर्स और ऑल द क्रेडिटर्स विल बी बाइंडेड बाय दिस कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। यस नो गाइस? Provided that tribunal will not give the order for this compromise or arrangement unless it is satisfied that the LLP has disclosed all the material facts relating to the latest financial position and about any latest इन्वेस्टिगेशन दैट इज पेंडिंग। तो आपको ट्रिब्यूनल हां कब बोलेगा? जब आपने जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सच्ची तरीके से सारा मटीरियल फैक्ट डिस्क्लोज किया है रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द LLP, और अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो उस बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन चालू है और यहां से आप ट्रिब्यूनल से कॉम्प्रोमाइज करवा ले रहे हो, मतलब यू आर बाईपासिंग द इन्वेस्टिगेशन, दैट कैन नॉट बी डन। अगर किसी मैटर पे इन्वेस्टिगेशन चालू है उस मैटर को कॉम्प्रोमाइज या अरेंज नहीं करवाया जा सकता। ओके, जैसे ही ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है फॉर द कॉम्प्रोमाइज और द अरेंजमेंट, दिस ऑर्डर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। और अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा, LLP को इतना मिनिमम मैक्सिमम, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो 100 रुपए per day वगैरह वगैरह, ठीक है। द ट्रिब्यूनल मे एट एनी टाइम आफ्टर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन स्टे द कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन ऑफ एनी केस और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द LLP ऑन सच टर्म्स एज द ट्रिब्यूनल थिंग्स फिट अंटिल द एप्लीकेशन इज फाइनली डिस्पोज ऑफ। इसका क्या मतलब होता है?
इसका क्या मतलब होता है? अगर ट्रिब्यूनल में कोई केस पेंडिंग था बाय द क्रेडिटर और पार्टनर, तो ये जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा. कब डिसमिस हो जाएगा? जैसे ही ट्रिब्यूनल का कॉम्प्रोमाइज का या अरेंजमेंट का ऑर्डर आया, तो वो केस जो है वो क्या हो जाएगा? डिसमिस हो जाएगा. वहां पे लिख दो एक सेंटेंस में, एनी केस फाइल्ड बाय द क्रेडिटर और पार्टनर, एनी केस फाइल्ड बाय द क्रेडिटर और द पार्टनर्स विल बी डिसमिस्ड आफ्टर द कॉम्प्रोमाइज. आफ्टर द कॉम्प्रोमाइज अब देखो, प्लान करने में और एग्जीक्यूशन में क्या गैप होता है? अब प्लान करने में और एग्जीक्यूशन में बड़ा गैप होता है. इसी को मिटाने के लिए सेक्शन 61 आया, अगला वाला सेक्शन. ट्रिब्यूनल ने कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का ऑर्डर तो दे दिया, बट क्या एलएलपी वो ऑर्डर्स फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी देखने का पावर, सुपरवाइज करने का पावर ट्रिब्यूनल के पास है. सो द ट्रिब्यूनल शल ऑल्सो हैव द पावर टू सुपरवाइज द कैरिंग आउट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और द अरेंजमेंट. अगर ट्रिब्यूनल को लग रहा है इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करना जरूरी है, तो वो मॉडिफिकेशंस के भी डायरेक्शंस इशू कर सकता है. अगर उसको लग रहा है कि ये कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है और जो इंटेंशन है वही डिफीट हो रहा है, तो जो ऑर्डर उसने दिया था ना, वो ऑर्डर भी वो कैंसिल कर सकता है. सो इफ द ट्रिब्यूनल इज सैटिस्फाइड दैट दिस कॉम्प्रोमाइज इज नॉट डन प्रॉपरली, तो ऐसे केस में कॉम्प्रोमाइज का ऑर्डर कैंसिल करके आप एलएलपी के ऊपर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकते हो. ये चीज जो है ये छोटी मोटी नहीं है. पहले हमको लगा प्राइमा फेसी के छोटी मोटी है, बट अब लग रहा है कि डायरेक्शन ही कुछ अलग ले लिया है. इट्स बेटर टू जस्ट वाइंड अप दैट एलएलपी. तो फिर ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? एलएलपी को वाइंड अप करने का भी ऑर्डर पास कर सकता है. 61 क्यों आया है? प्लान करने में और एग्जीक्यूशन में गैप ना हो, इसलिए 61 आया है. ट्रिब्यूनल को हमने पावर दिया है सिर्फ कॉम्प्रोमाइज का ऑर्डर देने के लिए नहीं, बट ऑर्डर देने के बाद इट विल मेक इट श्योर दैट दिस कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज बीन कैरिड अकॉर्डिंग टू व्हाट द ऑर्डर वॉज पास्ड. वो मॉडिफाई भी कर सकती है ऑर्डर को, या तो फिर उसको कैंसिल करके हम कह सकते डायरेक्टली, चलो लेट्स जस्ट फिनिश इट अप एंड वाइंड अप दिस पर्टिकुलर एलएलपी. और लास्ट सेक्शन एंड देन द एलएलपी कम्स टू एन एंड, एंड दैट इज रिलेटिंग टू रिकंस्ट्रक्शन और अमेलगमेशन. अमेलगमेशन में आपको पता है ना क्या होता है? एक एलएलपी दूसरे एलएलपी के साथ मर्ज हो जाती है, इज एन अमेलगमेशन. सो समटाइम्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज द सोल्यूशन, समटाइम्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन. तो आप अपने आप को समर्पित कर देते हो टू अनदर एलएलपी, यू गेट मर्ज्ड एंड देन यू बिकम वन एंड देन यू डू द बिजनेस एज वन एंटिटी. ओके, तो जब कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास आया, अगर ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि नहीं नहीं ये कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट से नहीं होगा यार, हमें तो अमेलगमेट ही करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में वी कैन ऑल्सो पास एन ऑर्डर रिलेटिंग टू अमेलगमेशन ऑफ टू और मोर एलएलपी. हमने अप्लाई तो किया था फॉर कॉम्प्रोमाइज, बट ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज का नहीं आया, ऑर्डर किसका आया? अमेलगमेशन का. और जब अमेलगमेशन होता है तो पूरी की पूरी लायबिलिटीज, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफरर एलएलपी की थी, अब वो ट्रांसफर हो जाएगी टू ट्रांसफरी एलएलपी. इसमें कोई नई बात नहीं है, आपने इसका अकाउंटिंग किया है. दिस इज जस्ट द टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट यू हैव एक्चुअली डन इन अकाउंट्स. जैसे ही मर्जर होता है, अमेलगमेशन होता है, जो भी एसेट्स, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी लायबिलिटीज ट्रांसफरर की थी, अब वो ट्रांसफरी की हो जाएगी.
हाँ या ना, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स ट्रांसफरर की थी अब वो कंटिन्यू होगी एज द ट्रांसफरी एलएलपी। और पुरानी एलएलपी जो थी क्या वो डिसॉल्व हो जाएगी? अब पुरानी एलएलपी तो खोखली हो गई है, उसको रख के भी कोई मतलब नहीं है, तो पुरानी एलएलपी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। वहां पे आप लिख सकते हो ओल्ड एलएलपी विल बी डिसॉल्व, क्योंकि अब वो खोखली हो गई, उसकी सारी एसेट सारी लायबिलिटी नए एलएलपी में, सारे केसेस नए एलएलपी में, उसमें लिटरली कुछ नहीं है। सो इट्स जस्ट गोइंग टू गो इनटू डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कुछ एसेट्स लायबिलिटीज ही नहीं है, स्ट्रेट अवे डिसॉल्व। और यस, जब ये ऑर्डर पास किया गया है, जो भी डिसेंटिंग पार्टनर्स थे, ओके, दिख रहा है आपको, उनके लिए कुछ तो प्रोविजन किया जाएगा और कुछ तो कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, फिर ही यह अमैल्गमेशन या मर्जर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी, इसको कहते हैं माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ओके, ऐसा नहीं है कि किसी के लॉस पे हम हमारा ही फायदा देखेंगे। अग्रीड एलएलपी अगर डिसॉल्व करोगे ना, तो बहुत लोग इंपैक्ट होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, तो बंद कर देना इज नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन। इसलिए वी गो फॉर सम मर्जर्स और अमेलगमेशन, बट उसमें भी कुछ लोग मना करते हैं, उनके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करता है। अब सुनो ना, ये कुछ बातें हैं जो नहीं है। ट्रिब्यूनल तब तक ऑर्डर पास नहीं करेगा जब तक उसको रजिस्ट्रार से रिपोर्ट नहीं आया है। किस बारे में? कि एलएलपी के जो अफेयर्स है ना, वो जनहित में ही कंडक्ट किए जा रहे हैं। इन शॉर्ट, अगर एलएलपी का इंटेंशन गलत है, अगर एलएलपी का इंटेंशन गलत है, तो ऐसे केस में कुछ मर्जर नहीं होएगा, कुछ अमैल्गमेशन नहीं होगा, डायरेक्टली वाइंडिंग अप। सुनो ना, यहां पे स्ट्रेट अवे लिखा है, दिस सैंक्शन विल नॉट बी डन बाय द ट्रिब्यूनल अनलेस ट्रिब्यूनल हैज रिसीव्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रार दैट द अफेयर्स ऑफ द एलएलपी आर नॉट कंडक्टेड इन अ मैनर विच आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स पार्टनर्स और पब्लिक इंटरेस्ट। अगर आपके एलएलपी के इरादे गलत है, कोई मर्जर नहीं होएगा, कोई अमेलगमेशन नहीं होएगा, कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली वाइंडिंग अप। मर्जर अमेलगमेशन तभी होगा जब आपके इंटेंशंस सही है। सिर्फ रजिस्ट्रार का नहीं, अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस देखोगे, रजिस्ट्रार के साथ साथ ऑफिशियल लिक्विडेटर का भी ओपिनियन लिया जाएगा। उसको ना हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं सेकेंड ओपिनियन। कभी सपोज से फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके पापा को बाईपास सर्जरी के लिए रेकमेंड किया गया एक डॉक्टर ने, डायरेक्टली क्या आप बाईपास करवा लोगे? यू विल गो टू सम अदर डॉक्टर, यू विल टेक दैट डॉक्टर का ओपिनियन ऑल्सो, एंड देन यू विल टेक द एक्शन, सेकेंड ओपिनियन। वैसे ही सिर्फ रजिस्ट्रार नहीं, रजिस्ट्रार का तो ओपिनियन ले गए अबाउट द अफेयर्स ऑफ द एलएलपी, रजिस्ट्रार के साथ साथ ऑफिशियल लिक्विडेटर का भी ओपिनियन ले गए अबाउट द अफेयर्स ऑफ द एलएलपी, उसी के बाद ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा फॉर द मर्जर। यहां पे आप लिख लो फर्स्ट ओपिनियन रजिस्ट्रार के, वहां पे ऑफिशियल लिक्विडेटर के वहां पे लिख लो सेकेंड ओपिनियन। और यहां पे ऊपर स्पेस है ना, वहां पे सिर्फ लिखो ना, अगर एलएलपी के गलत इंटेंशंस है, 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 तो कॉम्प्रोमाइज करके कोई मतलब नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज करके कोई मतलब नहीं है।
हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वाइंडिंग अप का ऑर्डर देंगे, हम डायरेक्टली वाइंडिंग अप का ऑर्डर देंगे। ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करने के पहले किन दो लोगों का ओपिनियन लेगी, रजिस्ट्रार का भी और ऑफिशियल लिक्विडेटर का भी, हाँ या ना? आपका एक बार कॉम्प्रोमाइज हो गया, कॉम्प्रोमाइज, क्रेडिटर को जितना आपको देना था आपने सेटल करवा दिया। अगर वो क्रेडिटर सिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो क्या कोई एसेट पे चार्ज क्रिएट किया होगा? सेटलमेंट हो गया, जितना डिसाइड करना था उतना आपने पैसा दे दिया, 50 के बदले 30 लाख दे दिया, जो भी चार्ज क्रिएटेड था क्या वो चार्ज अब फ्री हो जाएगा? वही नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सेटलमेंट होने के बाद, कॉम्प्रोमाइज होने के बाद या अरेंजमेंट होने के बाद जो भी चार्ज क्रिएट किया गया था कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर, वो चार्ज फ्री हो जाएगा, वो चार्ज फ्री हो जाएगा। और जैसे ही ट्रिब्यूनल से ऑर्डर आया है 30 दिनों के अंदर इसकी कॉपी आपको रजिस्ट्रार के पास करनी होती है फाइल, और अगर डिफॉल्ट किया है तो ये जो भी है फाइन पेनल्टी आपको लग जाएगा। मैं वापस एक बार ये रिवाइज करूं, हुआ है आपका ठीक से? देखो अगर लग रहा है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट नहीं करना है, अमैल्गमेशन करना है, अमैल्गमेशन का भी ऑर्डर पास करने का पावर ट्रिब्यूनल के पास है। बट ट्रिब्यूनल कब ऑर्डर पास करेगा? एक तो फर्स्ट ओपिनियन रजिस्ट्रार का लेगा, सेकेंड ओपिनियन ऑफिशियल लिक्विडेटर का लेगा। जैसे ही आपने मर्जर का ऑर्डर पास किया है, ओके, आपकी ट्रांसफरोर एलएलपी की सारी एसेट्स ट्रांसफर की हो जाएगी, लाइबिलिटीज प्रॉपर्टीज भी इसकी हो जाएगी। उसके बाद जो भी केसेस पेंडिंग थे इधर बाय और अगेंस्ट, वो भी नए एलएलपी के हो जाएंगे। पुरानी एलएलपी क्योंकि खोखली हो गई है, अब वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। जैसे ही ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है आपको क्या करना पड़ता है, 30 दिनों के अंदर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार के पास करनी पड़ती है फाइल। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अगर हुआ है तो ऐसे केस में जो भी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया था वो चार्ज हो जाता है फ्री। ओके, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये चार पांच पॉइंट्स है जो ये अमैल्गमेशन के बारे में या रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? सो दैट इज ऑल अबाउट द एलएलपी एक्ट। 5 मिनट में क्वेश्चंस कर लेगा, खत्म ही हो जाता है, नहीं तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, छह ही क्वेश्चंस है, ओनली 6 क्वेश्चंस, दैट्स इट, जालम है। आप देखो तो सिर्फ 6 ही क्वेश्चंस है और ज्यादा भी नहीं है उसमें, नहीं तो मैं सेल्फ रिकॉर्ड करके आपको दे दूं आधा घंटे का लेक्चर, ठीक है? चलो आप ले लो अभी छुट्टी, 4 बजे तक सर को बोलती हूँ कि इनका ब्रेक है, 4-5 बजे तक, ठीक है? 15 मिनट का ब्रेक ले लो आप लोग, सर क्लास ले लेंगे, मैं आधे घंटे का सेल्फ रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपको दे देती हूँ अबाउट द क्वेश्चंस एंड रिवीजन आल्सो ऑफ द एलएलपी एक्ट। इज इट, कब लूंगी मैं आपके पास, टाइम कहाँ है? ठीक है, जैसे भी आप बोलो, ठीक है? सर, सर ही आप लोगों का 8:30 तक क्लास ले रहे, सर मेरे को कब जा रही हूँ, ठीक है? चलो किसका